जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन होते रहता है तो कई महिलाओं को ये राय दी जाती है कि उन दिनों में अपना ख्याल रखना। महिलाओं को इम्प्लांटेशन डेज में नसीहतें दी जाती हैं कि उस वक्त उनको खास ख्याल रखना चाहिए अपना। वो क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन डेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो बहुत नाजुक होता है। उन दिनों में की कई गलतियां गर्भ को ना ठहरने का भी एक कारण बन सकती हैं। तो इम्प्लांटेशन डेज में जो हर महिलाएं इस छोटी सी गलती को कर देती हैं और कई बार उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, वो ये है कि अगर कई बार कई महिलाओं को हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा लेती हैं। अब उस स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाने के बाद कई महिलाओं का इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है। वो क्यों, इसके पीछे का कारण आप ज़रूर जानना चाहोगे। साथ ही इस गलती के साथ की गई भी गलतियाँ, जैसे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी गलतियाँ करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन खाना उस वक्त, इन्फेक्शन का लगना, ये सारा कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ना बनने या कम करने का कारण बन जाता है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वो हार्मोन है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ तक अच्छे से बनाए रखने के लिए, बेबी को डेवलप करने के लिए उत्तरदायित्व होता है उसका। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में कमी आएगी या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स घटने लगेगा तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाएगी। तो इन सब कारणों की वजह से, गलतियों की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो कम होने लगता है, उसका जो लेवल है वो गिरने लगता है। उसके बाद ये कि जब आप पेन किलर खाते हो तो जो यूट्रस की जो दीवार है, जो मोटी परत दीवार बनती है जहाँ एम्ब्रो जाके अटैच होता है, चिपकता है, वो दीवार बनने में बच्चेदानी का ऊपर का जो लेयर तैयार होता है उसको वो रोक देता है। तो अगर बच्चेदानी की जो दीवार है वो बननी रुक जाएगी तो फिर आपका जो एम्ब्रो अटैच हुआ है या होने वाला है, इस वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है फेल हो जाएगा। तो इसलिए उन दिनों में कम से कम मेडिसिन का उपयोग करें, जो डॉक्टर के द्वारा कंसल्ट किया गया है वही मेडिसिन खाएं। पेन किलर को लेने से बचें, पेन किलर उन दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। ये नहीं कि सर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, दांत में दर्द है तो फिर आप पेन किलर ले लो। ऐसी गई एक आम सी गलती होती है, क्योंकि सिर दर्द, टेंशन के कारण सिर दर्द होना या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, तो ये छोटी सी छोटी जो तकलीफ़ें हैं इसके कारण महिलाएं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो कंज्यूम कर लेती हैं, या फिर आप एक आध दो बार ही लो, ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल देता है आपके इम्प्लांटेशन प्रोसेस को रोकने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और इम्प्लांटेशन में की गई ये गलती आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, तो आज ही इस गलती को रोकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाना है। धन्यवाद।